घमंड तो मुझे इस बात का है कि मेरी जिंदगी का पहला वोट है और पहला वोट ही मैं इमरान खान साहब के नाम कर चुका हूँ। शट अप। यहाँ पर पीपी की जीत हो चुकी है। जियो, तो तुम कितना खुश हो? मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि पीपी वाले मेरे अपने इसका अबू है। इंशाल्लाह आपका वजीर आजम बिलावल साहब होगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो वेलकम करते हैं आज के न्यू व्लॉग में आपका। तो गाइस, जैसे कि आज है 8 फरवरी और इस दिन का ना सबको इतना कोई इंतजार था, जिधर किधर भाई यही नाम लगा हुआ था कि भाई इलेक्शन इलेक्शन। जहाँ जाओ ना, जहाँ मतलब जहाँ भी जाओ, बाहर जाओ, दुकान पर जाओ, घर में आओ, घर से बाहर जाओ, मस्जिद में जाओ, गली में जाओ, ऑनलाइन मीडिया ऑफलाइन मीडिया, जब देखो मना इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन। लेकिन फाइनली आज वो दिन आ गया 8 फरवरी, जो आज पता चलेगा कि कौन कितना पानी में। तो आज हमारा पहला वोट भी है, हमारे साथ शफीक भी है और अमजद भी है। तो शफीक और अमजद कैसे हो तुम लोग? अस्सलाम वालेकुम। तो तुम दोनों का भी पहला वोट ही होगा। जी जी, पहला। कैसा लग रहा है आप लोगों को? मजा नहीं आ रहा है, अजीब सा फील हो रही है। पहली बार वोट देने जा रहे हैं। तो तुमसे मैं पूछता हूँ कि क्या होता है, किसको वोट दोगे तुम? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदाबाद। ये वोटो जी, ये निकल लौड़े। शफीक तुम वहाँ देख कर ही पता चलेगा कि किसको देना है। तो बहुत एक्साइटमेंट है क्योंकि यार ये ना वोट जो है ना दरअसल ज़मीर का है। आप लोगों ने पता ये वोट किसका है? ये वोट है ज़मीर का। सोच समझ कर आप भी देना और वोट हर कोई दे, गया मत करना बस। वोट ऐसे बंदे को देना जो ना कल को तुम्हारे पास आए। आज ये गलियों में कोचों में हर जगह तुम लोग दिखेंगे वोट के लिए। लेकिन सोचो क्या, और मैं बताऊं के बाद कोई भी आने वाला नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं। भले तो अपने जमीर का सौदा ना ठीक ठाक से करना, ठीक है। और हम मेरा तो पता है तुम्हें मैं किसको दूंगा वोट। तुम तो पठान हो भाई, तुम तो पठान के। हम खान साहब को ही देंगे बारी। हमारे जो वोट का एक ही हकदार है, कैदी नंबर 804। देखते तो चलते हैं अभी पोलिंग स्टेशन पर। अभी शाम हो चुकी है, अभी तक हमने अपना वोट कास्ट नहीं किया। हमने कहा 4 बज गए भाई, अभी आधा घंटा पड़ा है हमारे पास। चलते हैं, चलते हैं, ठीक है। तो सीधा पोलिंग स्टेशन पर चलते हैं, वहाँ पर देखते हैं। चलो चलो गाड़ी में। मेरा लगा हम फर्स्ट। हाँ, तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो अपना वोट देकर आ गया हूँ, शफीक भी अपना वोट देकर आ गया और अमजद भी अपना वोट देकर आ गया। लेकिन असली धांधली तो वहाँ पर होगी जहाँ पर इलेक्शन चल रहा है, जहाँ पर सीजन चल रहा है। हमें वीडियो बनाने की परमिशन नहीं दी गई, वरना यार हमें बहुत सीधे नहीं, दरअसल पहले वीडियो बनाने की परमिशन थी। जब हम गए ना तो आखिरी टाइम था, तो उन्होंने कहा यार जल्दी कर जल्दी करो, इतना कोई वोट कास्ट करो। हमें तो वोट कास्ट करना ही नहीं दे, बहुत खुशी आ रही है यार। घमंड तो मुझे इस बात का है कि मेरी जिंदगी का पहला वोट है और पहला वोट ही मैं इमरान खान साहब के नाम कर चुका हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और तुम? कंफर्म जन्नती है, कंफर्म जन्नती है। ये भी भाई पीटीआई लवर है, दोनों मोरे तीर पर लगा कर आया। नहीं नहीं, ऊपर वाला ऊपर नीचे दोनों इमरान खान भाई, इमरान खान। अभी तुम क्या कुछ कहना चाहते हो? और जो लोग वोट नहीं दे रहे उनके बारे में तुम क्या कहोगे? यार वो गलत कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, लेकिन वोट तो देना ही है, वो जमीर की बात है। आपको जमीर जहाँ माने वहाँ वोट देकर आना। बिल्कुल सही बात है, वोट देना भी, वोट ना देना भी मसले का हल तो नहीं है। बिल्कुल सही बात है, बात तो सही है। अभी मेन दांदली पर चलते हैं, वहाँ पर लोगों से पूछते हैं कि उन्होंने अपना कीमती वोट किसको दिया है, सवाल करते हैं लोगों से, ठीक है। तो अमजद से भी मैं सवाल पूछूंगा, अमजद से मैं रस्ते में सवाल पूछता हूँ। आ जाओ आ जाओ, ना पहला सवाल मैंने अमजद से पूछा था कि पीपी का फुल फॉर्म क्या है, वो तो इसने बता दिया। सेकंड सवाल ये है कि भाई मतलब मैंने सुना है काफी बार, तुमने भी सुना है, जब भी पीपी का जिक्र होता है ना तो बिरयानी की बात होती है, तो इसके पीछे क्या वजह है? बिरयानी को क्यों ट्रोल किया जा रहा है पीपी के साथ? ऐसा होता है ना, जो दूसरी पार्टी होती है, फॉर सपोज GDA हो गया, PTI हो गया, वहाँ के वहाँ उन पार्टियों का जो जलसा होता है ना, उनमें बिरयानी शिरयानी का कोई शोर नहीं होता। जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मीटिंग होती है या कोई ऐसी रैली वगैरह होती है, जलसा होता है, तो उनमें बिरयानी का, हर लोगों को बिरयानी का आसरा होता है। नहीं, इस इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
के जलसों में सबसे ज्यादा आवाम आता है। अच्छा, ये बिरयानी कम होती है क्या? आपस में लोग तुमने देखा होगा लड़ते होंगे। नहीं मैंने तो कभी किस्म मैंने तो देखा है भाई, बहुत सारी वीडियोस में देखा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन अभी चलते हैं वहाँ पर, मैं दादली तुम्हें वहाँ पर दिखाऊंगा असली। जब तब पता चलेगा, जब रिजल्ट आएगा कि कौन जीतेगा। यहाँ पर दो मेन पार्टीज है, मतलब पीटीआई को छोड़ के यहाँ पर दो मेन पार्टीज है, एक है पीपी, दूसरा है जीडीए। पीपी का फुल फॉर्म तो इसने बता दिया, जीडीए का फुल फॉर्म मुझे बताएगा शफी। किधर आओ, आ रहा है तुम्हें कि नहीं? आ रहा है, बताओ। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है, अब चलते हैं वहाँ पर, देखते हैं कि मेन दांदली पर क्या हो रहा है और लोगों से पूछते हैं कि उन्होंने अपना कीमती वोट किसको दिया। चलो भाई। Later. तो इस वक्त हम मौजूद है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के एक बहुत ही पुराने वर्कर के साथ। तो बताओ मिनर साहब, पीपुल्स पार्टी के जीतने पर आपका क्या रिएक्शन है? जी बहुत नाजुक सूरत हाल है मेरे भाई। ये पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है, इसके साथ मुकाबला करना किसी को बस की बात। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। अवाम की पार्टी है, ये अवाम ने जिताई है। इंशाल्लाह आपका वजीर आजम बिलावल साहब होगा। जो जो हमारे इस पाकिस्तान की कौमी है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। गरीबों का जो रोजगार है वो बिलावल साहब ने कहा है, तो हम आपको नौकरियां भी देंगे, ये हमारा वादा है। हर गरीब अपने चूल्हे जलाएगा, नौकरी जब मिलेगी तो चूल्हा ऑटोमेटिक जल जाएगा। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। रोटी कपड़ा ये मकान भी आपको जल्द बजल, कुछ चल रहे हैं मकान, बन रहे हैं, कुछ और मजीद बनवाएंगे। आप भी हमारे साथ होंगे, तकलीफ भी होगी तो घर हम सबको बना के देंगे। ये आप पे मेरा वादा रहा। ये नईम खान साहब होगा, साहब होगा और सैयद ये अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। जावेद शाह सैयद फजल अली शाह साहब भी होगा। थैंक यू, आगे चलो अभी। थैंक यू सर, दूसरे लोगों से भी इंटरव्यू लेना है। चलो आगे चलो, आगे चलो। कुछ वजह था कि आज पीपी के दोनों उम्मीदवार आज जो खड़े हुए थे वो जीत गए, और हमारे कुछ मखसूस लोग थे जिन्होंने अपना वोट का सौदा, अपने जमीन का सौदा एक लोहे के गार्डर पे किया, अढ़ाई हजार पर किया। यहाँ पर तो आप देख सकते हैं, इतना रश लगा हुआ है। यहाँ पर पीपी की जीत हो चुकी है। जीओ, जीओ। तो पीपी वाले मेरे अपने पीपी वालों ने मुझे आसरा दिया है। टपा टप टपा टप टपा टप, मालूम नहीं तुम्हें क्या लगता है आने वाले वक्त में पीपी यहाँ पर काम करेगा? इंशाल्लाह करेगी।
सब कुछ पहना हुआ है, ये कपड़ा पहना हुआ है, रोटी खा रहे हैं घर से, मकान मिला हुआ है, और क्या करें। ठीक है, ये सारा अभी अभी 3 लाख रुपए दिए हैं वो किसने दिए। चलो भाई यहाँ पर देख सकते हैं पीपी के एक्सीडेंट बहुत ज्यादा है, तो अभी हम चलते हैं यहाँ पे। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो भाई ये था हमारा सिटी। यहाँ पर तो भाई पीपल्स पार्टी जीत गई है, लेकिन कोई मसला नहीं है, हमने अपना वोट कास्ट कर लिया और अभी देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट पीएम कौन बनता है। लेकिन बहुत जलील हुए यार आज, आज मेरे पास माइक की तार भी छोटी थी तो एकदम घुस गया था मैं माइक के अंदर, लोगों को भी घुसा रहा था। तो अभी भाई हम भी वापस आ चुके हैं, कल तक पता चल गया है कौन पाकिस्तान का नेक्स्ट पीएम है। तो हमारी दुआ है थी हमारा खान साहब हो, तो भाई अब तो भाई कोई भी हो हमें वो मंजूर ही है। हाँ भाई, भाई हमें उसको हम जो सारा आवाम है ना, हमें भाई काम चाहिए, पाकिस्तान के लिए काम चाहिए, तरक्की चाहिए। ठीक है, बस हमारा ये मुतालबा है। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर एंड। तो लास्ट में इतना ही कहूंगा कि खुद को थोड़ा औसम बनाओ, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाओ। मिलेंगे फिर कभी व्लॉग में किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय, थैंक्स, लव यू।